उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने आईपीएल टी20 मैच में सट्टा लगाने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर के सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संदीप कुमार मिश्रा, विपिन कुमार और अभिषेक पटेल के साथ क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच टी20 जिसमें चेन्नई सुपर किंग बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के दौरान सट्टेबाजी में हार जीत की बाजी लगाकर 44,000 रुपए सट्टेबाजी से पैसा जमा कराने वाले गिरोह को मल्टी एक्टिविटी पार्क के सामने से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशियाना पुलिस और क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त टीम ने सट्टेबाजी में पकड़े गए 3 लोगों में 30 वर्षीय वदालीखेड़ा थाना आशियाना निवासी मोहम्मद शहबाज, विनम्रखंड गोमती नगर 47 वर्षीय आवाद अहमद और 30 वर्षीय वदालीखेड़ा थाना आशियाना निवासी हिमायू के पास से पुलिस ने 44,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया है। हाल ही में आईपीएल के क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद लखनऊ और मेरठ में भी छापेमारी की गई। कैंट थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। बताया जा रहा है कि वह अतहर खान मोहम्मद इमरान शिवम निवासी हसनू कटरा व संटी सरदार निवासी मुकेरी टोला को पुलिस ने सट्टेबाजी में गिरफ्तार किया था। एडीसीपी ने बताया कि सहबाज, हिमायू और आबाद लखनऊ में आईपीएल 2023 के मैच में सट्टा लगवाते थे। इसके बाद अपने दिल्ली नेटवर्क तक इस रकम से सट्टा लगाया जाता था। तीनों सट्टेबाजों से पूछताछ में एक बड़े नेटवर्क का पता चला है जो लखनऊ से दिल्ली तक फैला हुआ है। अभी इसमें और कई लोगों के शामिल होने की संभावना है। आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स और मुंबई इंडियन मैच पर नजर। आईपीएल के 16 मई को होने वाले मैच पर भी बड़ा दांव लगेगा। मंगलवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच इकाना स्टेडियम में मैच है। इस मैच में भी सट्टेबाज एक्टिव रहेंगे। इसको लेकर भी पुलिस एक्टिव है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं, ये किस तरीके से आईपीएल में सट्टेबाजी करते थे, क्या कुछ इनका पूरा नेटवर्क था, कैसे गिरफ्तारी हुई पूरी? देखिए, मुखबिर की सूचना पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बार पहली बार लखनऊ में आईपीएल मैचेज हो रहे हैं, तो लोकप्रियता भी अधिक हुई है, बढ़ी है, और यहाँ पे उसमें रुचि लेने वाले लोग अधिक हैं। बहुत सारे लोग खेल को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो बेटिंग करते हैं, ऑनलाइन बेटिंग करते हैं, वो भी है। तो ये मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग जो आपके सामने उपस्थित हैं, ये लोग ऑनलाइन बेटिंग में मशगूल हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। इसी पे जो सेंट्रल क्राइम टीम है उसके द्वारा और थाना आशियाना की टीम के द्वारा लग के आज इनकी गिरफ्तारी की गई। थाना आशियाना क्षेत्र से इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 44,000 रुपये बरामद हुए हैं और रजिस्टर और पेन बरामद हुए हैं, जिस पे ये ऑनलाइन जो सट्टा लगाते थे उनका सब नोट करते थे, किसका कितना, कितने लगाया है, उसे कितना दिया जाना है हार पे और जीत पे कितना लिया जाना है। तो जो टीम ज़्यादा मजबूत होती थी उसकी जीत पे यदि कोई लगाता था तो उसको जो पैसा लगाता था उससे कम रेट ये वापस करते थे, ये पहले से तय रहता था। और जो यदि मान लीजिए कोई कमज़ोर टीम है वो यदि जीतती थी तो उसको ज़्यादा पैसा ये रिटर्न करते थे। इसी मार्जिन में इनके द्वारा ये खेल किया जाता था। सर, ये जो आईपीएल का पूरा सट्टेबाजी का करते हैं, केवल लखनऊ से संचालित था या फिर आसपास के? देखिए, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। तो ऑनलाइन गेमिंग आप जान ही रहे हैं, चाइना वगैरह से भी चलती है बहुत, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर ये लोग कर रहे थे उनको हम लोग ट्रैक किए। आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, देखेंगे कौन कौन इसमें शामिल हैं, उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इन लोगों का कुछ और भी कनेक्शन निकला है कि आईपीएल में किन बड़े लोगों से संपर्क में रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी तक, क्योंकि आज ही ये पकड़े गए हैं। आपके सामने हम लोगों ने इन्हें प्रस्तुत किया है, उतनी डिटेल इंट्रोगेशन जितनी हुई है उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी रिनाउंड पर्सन से इनका कोई संपर्क हो। क्या इससे पहले किसी इन्हीं सब मामलों में जेल जा चुके हैं या फिर? नहीं, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है एज पर आवर रिकॉर्ड, ये पहली बार इसी में पकड़े गए हैं। हालांकि पूछताछ में इन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं। ये सट्टेबाजी के अलावा और किस काम में संलिप्त रहते थे, ये क्या कुछ और काम कर रहे थे ये लोग? नहीं, और काम कोई अपराध वाला नहीं कर रहे हैं, बाकी तो अपनी जीविका कमाते ही होंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।